नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो चर्चा करने वाले हैं इनवॉइस बनाने का तरीका, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हो अपनी स्क्रीन पे। कृपया अकाउंटेंट ध्यान दें, अब इनवॉइस बनाने का तरीका हुआ बिल्कुल चेंज। सो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए फॉर्मेट के अनुसार आपको इनवॉइस को कैसे बनाना है। सो इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपके साथ डिस्कशन करना है। सो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ सर, गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए नोटिफिकेशन नंबर 60/2020, जो कि 30 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन है। सर आज है तारीख 7 अक्टूबर 2022 और आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो 30 जुलाई 2020 की, तो सर क्या आपको 2 साल बाद याद आई है कि कैसे इनवॉइस बनाना है? जी हाँ, जो नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 है ये 30 जुलाई 2020 का है। वीडियो जब आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेट है 7 अक्टूबर 2022। आज इस नोटिफिकेशन को क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है? जब ये नोटिफिकेशन आया था 30 जुलाई को तो ई इनवॉइस लागू होने वाला था 1 अक्टूबर 2022 से। पहले वो 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे लागू होने वाला था, फिर वो बढ़ा के 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर के ऊपर लागू कर दिया था। बट आज जब मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ 7 अक्टूबर को, तो ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइस लागू हो चुका है, जिनका टर्नओवर 17-18 से लेके फाइनेंशियल 21-22 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ को उसने क्रॉस करा हो। तो अब ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी बहुत सारी फर्म्स पे हो गई है, तब ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी बहुत कम फर्म्स पे थी, इसलिए तब ये वीडियो शेयर नहीं की गई थी। तो आज बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि इसको पढ़े बिना आपका इनवॉइस गलत ही बनेगा, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी लगभग 21,000 अकाउंटेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है? सो भाई फटाफट से चर्चा कर लेते क्या कह रहा है ये, ऐसी कौन सी बात है जो मैं स्पेशली आपको इतना फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है? सो सीधा हम लेके चलते हैं आपको सर फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट स्कीमा फॉर ई इनवॉइस, बेसिकली ये इनवॉइस का फॉर्मेट किस पे लागू है? जिसके ऊपर ई इनवॉइस लागू है। और ई इनवॉइस किस पे लागू है? जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल में या 17-18 से लेके फाइनेंशियल 21-22 तक 10 करोड़ रुपए को उसने क्रॉस करा, मतलब मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो हैं अब ई इनवॉइस के दायरे में आती हैं। और नहीं आती तो घबराओ मत, जल्दी आप भी आने वाले हो। 1 जनवरी 2023 से आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है कि 5 करोड़ रुपये आ जाएगा और कुछ समय पे ये हर किसी के लिए लागू हो जाएगा। तो अब ये मैंडेटरी का पार्ट, आप मैंडेटरी ही पार्ट समझिए, ठीक है? यहाँ पर नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि वहाँ पे जो वर्डिंग यूज़ की गई है उसका क्या क्या मतलब है, ये आप पढ़ लेना। क्योंकि अगर मैं पूरा अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो ये लगभग 18 पेज का नोटिफिकेशन है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इनवॉइस बनाते समय, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो छोटे मोटे पॉइंट है वो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी आप जाके डाउनलोड करके आराम से देख लेना, ठीक है? यहाँ पे कंडीशंस बताई गई है, जो वर्डिंग यूज की गई है उसका क्या क्या मतलब है, ठीक है? ये आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है? सो भैया अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ, एक मिनट। ओके, ठीक है, सो जूम कर लेता हूँ पहले इसको थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शनल है, ठीक है? स्कीमा वर्जन क्या है? 1.1 है। आने वाले समय में वर्जन चेंज भी हो सकता है, मतलब और भी चीज़ें गवर्नमेंट ऐड कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल आपके इनवॉइस पे क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सीरियल नंबर, टेक्निकल नेम ऑफ द फील्ड, कार्डिनलिटी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड, वेर एवर मैंडेटरी, वेदर मैंडेटरी और ऑप्शनल। ये भी लिखा हुआ कि भाई ये पार्ट जो हम बता रहे हैं, गवर्नमेंट जो बता रही है, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो मैं केवल आज की वीडियो में मैंडेटरी पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, तो भी वीडियो लंबा हो जाएगा, पर वीडियो देखना पूरा आपके पास, बाकी मर्जी अपनी है, ठीक है? सो यहाँ पे सबसे पहला है इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल। हमारे इनवॉइस पे बेसिक डिटेल क्या क्या प्रिंट होनी चाहिए जो कि मैंडेटरी है, उसकी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। तो पहला वर्जन, हमें अपने इनवॉइस के ऊपर बताना पड़ेगा कि हम ई इनवॉइस चूंकि बना रहे हैं तो हम कौन से फॉर्मेट का, गवर्नमेंट के द्वारा कौन से फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं। तो ये वर्जन कौन सा है? 1.1। यहाँ पे लिखा है सैंपल वैल्यू ऑफ द फील्ड, क्या वैल्यू आपको मेंशन करनी है, इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 6 तक जाएगी। सो दिस इज द वर्जन ऑफ ई इनवॉइस स्कीमा। तो अभी मैंने आपको दिखाया कौन सा वर्जन है, 1.1। इट विल बी यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ वर्जन
ऑफ इनवॉइस स्पेसिफिकेशन, जिससे गवर्नमेंट को अगर कल को अगर इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज करती है और वो अगर पुराना इनवॉइस अगर आपका पकड़ती है तो उसे पता हो कि ये इनवॉइस किस कंडीशन के ऊपर बना है, कौन से वर्जन के ऊपर बना है, तो 1.1 आपको इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करवाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि ई इनवॉइस सिस्टम आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी मैंडेटरी पार्ट है। ई इनवॉइस जब तक अधूरा है तब तक उसके ऊपर IRN नंबर मेंशन नहीं है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 64 डिजिट की होती है, फॉर्मेट उसका दिया हुआ है, ये साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए हुए हैं। दिस विल बी यूनिक रेफरेंस नंबर फॉर द इनवॉइस, हाउएवर द सप्लायर विल नॉट बी पॉपुलेटिंग दिस फील्ड। सप्लायर को पॉपुलेट नहीं करना है ये फील्ड। ये फील्ड कैसे जनरेट होता है, ई इनवॉइस सिस्टम से। ई इनवॉइस कैसे बनाया जाता है उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं लगातार अब ई इनवॉइस के ऊपर ही आपको वीडियोस दे रहा हूं, ठीक है। सो ये आपका ई इनवॉइस पोर्टल से बन जाता है, चाहो तो टैली से भी बन जाता है, ठीक है। अनदर थिंग जो मैंडेटरी है, बेसिक डिटेल्स। क्या मैंडेटरी है, सप्लाई टाइप कोड। अभी तक ये मैंडेटरी नहीं था पर अब ये भी मैंडेटरी हो रहा है कि आप कौन सी सप्लाई कर रहे हो, तो कोड फॉर सप्लाई टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। आप B2B सप्लाई कर रहे हो, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। सैंपल नोट क्या है, B2B, B2C, SEZ, WP, SEZ विदाउट पेमेंट, SEZ WOP विदाउट पेमेंट और विद पेमेंट। WP का मतलब विद पेमेंट, WOP का मतलब विदाउट पेमेंट, EXP एक्सपोर्ट विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। तो यहाँ पे सबकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे आपको दी हुई है, तो ये फुल फॉर्म भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब ये मैंडेटरी हो गया, अभी तक आपको हो सकता है कि ना बताओ। डॉक्यूमेंट टाइप कोड, अब जो आपका इनवॉइस बनेगा वहां पे आपको प्रीफिक्स में लगाना पड़ेगा INV, ये कोड है आपका इनवॉइस का। क्रेडिट नोट का कोड रहेगा CRN, डेबिट नोट का कोड रहेगा DBN। सो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं, इसलिए आपको अब इन सब चीजों को ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक पूरी देखिएगा जिससे कि आपको एक प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक डिटेल की बात करें जिसमें दो चीजें आपको नहीं देखने को मिली। नंबर एक, सप्लाई टाइप कोड, अब आपको इनवॉइस के ऊपर बताना है B2B है, B2C है, या एक्सपोर्ट है, या SEZ सप्लाई है। एंड नंबर टू, अब आपको सप्लाई डॉक्यूमेंट टाइप कोड बताना है, मतलब इनवॉइस नंबर में आपको प्रीफिक्स में INV लगाना है, क्रेडिट नोट में CRN लगाना है, डेबिट नोट में DBN लगाना है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं सर। यस, डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है, मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर की मतलब आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 16 डिजिट। और अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इनवॉइस नंबर के आगे जीरो नहीं लगाना है, ना फॉरवर्ड स्लैश लगाना है इनवॉइस नंबर के आगे। तो अब इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आपको INV लगा के जो है इनवॉइस नंबर को आपको बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत है, आपको यहाँ पे INV लिखना है, ठीक है। INV/1/ जो भी आप लिखना चाहते हो, अपना ईयर लिखना चाहते हो, ठीक है। दिस इज एज पर रेलिवेंट रूल इन CGST, SGST, UTGST रूल्स, ठीक है। सो इनवॉइस नंबर जो आपका वो 16 डिजिट से ज्यादा का होना चाहिए। इनवॉइस डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो यहाँ पे बताया गया है, DDMMYY फॉर्मेट के अंदर आपका इनवॉइस डेट। डॉक्यूमेंट डेट का मतलब है यहाँ पे इनवॉइस डेट, ये मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है, ये दोनों भी मैंडेटरी पार्ट है। ये ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल है उसकी बात मैं नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत लंबा ये डॉक्यूमेंट है, हमें इस नोटिफिकेशन को पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अब हम आते हैं सेकंड डिटेल के ऊपर, ये सब ऑप्शनल है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब ऑप्शनल है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर रिवर्स चार्ज में आपका इनवॉइस बना है तो आपको ये भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। सो ये सब चीजें मैं अभी कवर नहीं कर रहा, हो सका तो किसी और वीडियो में कवर करूंगा, अभी मैंडेटरी पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हमने पढ़ा बेसिक डिटेल, सेकंड डिटेल है हमारी डॉक्यूमेंट पीरियड जो कि ऑप्शनल है, सेकंड डिटेल है हमारी डॉक्यूमेंट पीरियड जो कि ऑप्शनल है, जिसके कुछ पार्ट मैंडेटरी है कुछ पार्ट ऑप्शनल है। मैंडेटरी कब होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट पीरियड स्टार्ट डेट, ये मैंडेटरी है, कब मैंडेटरी है, जैसे स्टार्ट डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट पीरियड, डिलीवरी नोट, इनवॉइस पीरियड। अगर आपने कोई डिलीवरी नोट वगैरह का रेफरेंस दे रहे हो, अगर कोई डिलीवरी नोट वगैरह का रेफरेंस दे रहे हो तो उस केस के अंदर आप उसकी डेट को मेंशन करोगे, ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है मैंडेटरी नहीं है। प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। प्रोसीडिंग प्रिसीडिंग रेफरेंस ये भी ऑप्शनल है बट इसका कुछ पार्ट मैंडेटरी है। प्रिसीडिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो आपने किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करे, किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में अगर आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करे तो उस क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर को मेंशन करना पड़ेगा। किसको मेंशन करना पड़ेगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर को। दिस इज द रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनवॉइस टू बी प्रोवाइडेड ऑप्शनली इन द केस ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगेंस्ट इनवॉइस कैन आल्सो बी रेफर्ड
हेयर, ठीक है। सो अगर आप प्रिसीडेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो, प्रिसीडेंट डॉक्यूमेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में अगर दूसरा डॉक्यूमेंट बना रहे हो, मतलब किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में अगर आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट बना रहे हो, तो आपको इनवॉइस नंबर का रेफरेंस देना मैंडेटरी है और उसकी डेट भी देना मैंडेटरी है, ठीक है। ऑप्शनल को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, आगे चलते हैं हम, ठीक है। सो इंपोर्टेंट आया हमारा फोर्थ, सप्लायर इंफॉर्मेशन। क्या है सर? सप्लायर इंफॉर्मेशन जो कि मैंडेटरी है। तो सप्लायर लीगल नेम, बहुत कमाल की चीज बताने वाला हूं, सप्लायर लीगल नेम मैंडेटरी है जबकि सप्लायर ट्रेड नेम जो है वो ऑप्शनल है। लीगल नेम आपको पता है पैन नंबर के ऊपर जो नाम लिखा होता है। तो प्रोप्राइटरशिप का अगर आप इनवॉइस बना रहे हो, प्रोप्राइटरशिप का अगर आप इनवॉइस बना रहे हो, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप में लीगल नेम और ट्रेड नेम अलग होते हैं। पार्टनरशिप में लीगल नेम ट्रेड नेम एक होता है, प्राइवेट लिमिटेड में लीगल ट्रेड नेम एक होता है, पब्लिक लिमिटेड में लीगल ट्रेड नेम एक होता है, बट प्रोप्राइटरशिप के अंदर लीगल नेम और ट्रेड नेम अलग होता है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप का किसी का इनवॉइस बना रहे हो जिसको आपने गुड्स बेचा है, तो आपको अब क्या करना है सर, आपको उसका लीगल नेम मेंशन करना है, लीगल नेम एज अपियरिंग इन पैन ऑफ द सप्लायर। तो ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम लेंथ उसकी सर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सर? मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए उसकी 100। ओके। सप्लायर ट्रेड नेम, सप्लायर ट्रेड नेम क्या होता है? नेम बाय विच सप्लायर इज नॉन बिजनेस नेम अदर देन लीगल नेम। तो ये क्या है सर? ये ऑप्शनल हो गया है। बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ले लो आप, मेरा लीगल नेम क्या है? गौरव सिंह। और मेरा ट्रेड नेम क्या है? जीएल कंसल्टेंसी। तो अगर आप मेरे नाम पे कोई इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो आपको मेरा नेम मेंशन करना जरूरी है, गौरव सिंह। उसके बाद आप नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो जीएल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सप्लायर जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, नहीं तो ई इनवॉइस बनेगा ही नहीं, ठीक है। सप्लायर एड्रेस मैंडेटरी है, नहीं तो ई इनवॉइस बनेगा ही नहीं। और जीएसटीएन की मैक्सिमम लेंथ 15 डिजिट होगी और जो एड्रेस है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 100 होगी। सैंपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सप्लायर एड्रेस 2 ऑप्शनल है। सप्लायर प्लेस जो है वो मैंडेटरी है, सप्लाई प्लेस जो है वो मैंडेटरी है। सप्लायर प्लेस वो मैक्सिमम 50 डिजिट का होना चाहिए। लोकेशन ऑफ द सप्लायर सिटी टाउन विलेज, ठीक है। इसके बिना ई इनवॉइस बनेगा ही नहीं। आप टैली से बनाओ चाहे किसी और सॉफ्टवेयर से बनाओ, एरर ही आएगा। तो ये उन सब एरर का सॉल्यूशन है। एक वीडियो मैंने पीछे ही बनाया जिसका लिंक आपको प्राई बटन में मिल जाएगा कि ई इनवॉइस बनाते समय आने वाले एरर उनको दूर कैसे किया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर। सप्लायर पिन कोड मैंडेटरी है सर, सप्लायर पिन कोड, ठीक है। पिन कोड ऑफ द सप्लायर, गलत पिन कोड पे ई इनवॉइस नहीं बनेगा। बाकी जो ऑप्शनल है जैसे कि फोन नंबर सप्लायर का ऑप्शनल है, सप्लायर की ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है। तो ये जरूरी है कि आप मेंशन करो, मर्जी है मेंशन करो, मर्जी है मत करो। अब आता है रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन। पहले किसकी थी? सप्लायर की, जो गुड्स या सर्विस को बेच रहा है। अब किसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है? रेसिपिएंट, जो गुड्स या सर्विस को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर लीगल नेम मेंशन करना है आपको, ठीक है। ट्रेड नेम जो है वो ऑप्शनल है इस केस के अंदर भी, ठीक है। ट्रेड नेम सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर और बायर दोनों केस के अंदर ऑप्शनल है, लीगल नेम मैंडेटरी है। तो जो बिल काट रहा है वो भी अपना लीगल नेम लिखेगा, जो जिसके लिए आप बिल काट रहे हो उसका भी लीगल नेम लिखोगे, बाकी आप अपना ट्रेड नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। रेसिपिएंट जीएसटीएन मैंडेटरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई मैंडेटरी है, ठीक है। रेसिपिएंट एड्रेस मैंडेटरी है जिसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी रहेगी? 100 डिजिट की रहेगी, 100 करेक्टर की रहेगी, ठीक है। रेसिपिएंट प्लेस मैंडेटरी है, मैक्सिमम लेंथ 100 रहेगी। रेसिपिएंट स्टेट कोड जो है वो भी मैंडेटरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रेसिपिएंट पिन कोड जो है वो ऑप्शनल है। रेसिपिएंट पिन कोड ऑप्शनल यहाँ पे लिखा हुआ, पिन कोड ऑफ द रेसिपिएंट लोकेलिटी इन केस ऑफ सप्लायर पिन कोड नीड नॉट टू बी मेंशन। अगर एक्सपोर्ट करें तो पिन कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप पिन कोड मेंशन करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शनल है उसको मैं कवर नहीं करूंगा। पे इन्फॉर्मेशन पूरा ऑप्शनल है इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिक डिटेल्स, सप्लायर डिटेल्स, इनवॉइस डिटेल्स, रेसिपिएंट डिटेल्स, जो मैंडेटरी पार्ट थे वो मैंने आपके साथ कवर करे, ठीक है। ये सब ऑप्शनल है, मैं कवर नहीं कर रहा। इनवॉइस आइटम डिटेल, आइटम लिस्ट मैंडेटरी है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस बीइंग इनवॉइस्ड, मैंडेटरी पार्ट है, आइटम लिस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टोटल, जो भी आप आइटम्स बेच रहे हो उनके टोटल लगाना मैंडेटरी है, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है सर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब ऑप्शनल है तो इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। और चलते हैं, जो ऑप्शनल है वो मैं कवर नहीं कर रहा हूं बिकॉज नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैंडेटरी है, मैक्सिमम लेंथ 4 है सर।
कि भाई कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 200 किलोमीटर लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिस फ्यूल इज मैंडेटरी ओनली इफ दिस सेक्शन इज सिलेक्टेड। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट अगर मेंशन कर रहे हो, तो सर आपको उसकी डिस्टेंस को भी मेंशन करना है, मैंडेटरी पार्ट, अदरवाइज इनवॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शनल ऑप्शनल, हाँ जी। पैरामीटर नेम, ठीक है, शिप टू डिटेल, शिप टू डिटेल ऑप्शनल है, शिप टू लीगल नेम मैंडेटरी है, मैक्सिमम लेंथ 100 है, मतलब जिसको आप बिलिंग कर रहे हो एक तरीके से सप्लायर नेम, ठीक है। ऑप्शनल ऑप्शनल शिप टू एड्रेस, मतलब जो आपका बायर है, सॉरी शिप टू का मतलब बायर हो गया, बायर का नेम मैंडेटरी है, बायर का एड्रेस मैंडेटरी है, जो पीछे अभी हमने रेसिपिएंट वाली बात की थी वही यहाँ पे शिप टू का मतलब भी वही है। अगर दोनों अलग हैं, बिल टू शिप टू अगर अलग है तो भी शिप टू का बताना मैंडेटरी है। दो केस होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है बिल टू शिप टू। अगर बिल टू शिप टू है तो शिप टू भी बताना आपको मैंडेटरी है, उसका नेम बताना मैंडेटरी है, उसका एड्रेस बताना मैंडेटरी है, उसका GST नंबर बताना मैंडेटरी है, उसका पिन कोड बताना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंडेटरी है। इनवॉइस बनाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। डिस्पैच फ्रॉम डिटेल, डिस्पैच भी दो तरीके से होता है, जो शिप कर रहा है, जो बिल कर रहा है, बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पिछली वीडियोस में, जो पीछे वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएंगी, उसमें ईवे बिल वाले वीडियो में मैंने बताया है, रेगुलर सप्लाई, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ठीक है। तो बिल फ्रॉम का मतलब क्या है, सप्लाई, डिस्पैच फ्रॉम जहां से डिस्पैच हो रहा है। तो अगर डिस्पैच और बिल फ्रॉम दोनों अलग है तो भी जो डिस्पैच फ्रॉम है वो भी मैंडेटरी है, उसका नेम कर आपको मेंशन मैंडेटरी है, एड्रेस मेंशन करना मैंडेटरी है, पिन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है, स्टेट कोड मेंशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। आइटम डिटेल, आइटम डिटेल आप सीरियल नंबर किस तरीके से चलाएंगे, तो आपका जो सीरियल नंबर चलेगा वो 1 2 3 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ABCD नहीं चला सकते, तो सीरियल नंबर भी जो है वो मैंडेटरी पार्ट हो गया है, ओके। सर्विस वाले केस के अंदर जो है सर आपकी जो वैल्यू है वो भी मैंडेटरी है, लेंथ उसकी 1 रहेगी। इस सर्विस या गुड्स, अगर सर्विस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। स्पेसिफाई वेदर सप्लाई सर्विस और नॉट, सर्विस है या नहीं है ये बताना जरूरी है आपको आइटम डिटेल के अंदर, ठीक है। HSN कोड मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। बैच डिटेल ऑप्शनल है। आइटम प्राइस मैंडेटरी है, ग्रॉस अमाउंट का टोटल मैंडेटरी है, ठीक है। आइटम टैक्सेबल वैल्यू मैंडेटरी है, GST रेट बताना मैंडेटरी है, कितने परसेंट का आपका सर इनवॉइस है वो बताना मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल पार्ट है, मैं नहीं कर रहा। आइटम टोटल अमाउंट, आइटम का टोटल लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू का टोटल मैंडेटरी है, मैक्सिमम 14 डिजिट का हो सकता है और डेसिमल 2 पॉइंट, इसका मतलब समझ लो मैक्सिमम लेंथ 14 डेसिमल 2, ठीक है, 2 डेसिमल तक, जैसे यहाँ पे मेंशन करा हुआ ये 2 डेसिमल है, ठीक है। IGST अमाउंट ऑप्शन मैंडेटरी है, अगर IGST है तो मैंडेटरी, अदरवाइज ऑप्शनल है। ये सारे ऑप्शनल पार्ट है जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो ये पूरा नोटिफिकेशन सर मैंने आपके सामने कवर करा है यहाँ पे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है, जिसके ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल है, अब वो इनवॉइस थोड़ा सा तरीके से बनाएगा, इनवॉइस नंबर सही तरीके से उसको मेंशन करना है, बिल टू डिटेल, शिप टू डिटेल, बिल फ्रॉम डिटेल, डिस्पैच शिप फ्रॉम डिटेल, ये सब कुछ मेंशन प्रॉपर करना है, अदरवाइज इनवॉइस भी नहीं बनेगा। और अगर गलती से अगर आपने गलत बनाया तो लेट फीस और पेनल्टी तो आपको पता ही है, GST में लगती लगती है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर से रिक्वेस्ट कि अब इनवॉइस बनाने से पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस 10 करोड़ से ज़्यादा वाले टर्नओवर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। तो अब इनवॉइस बनाते समय जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी करनी है, और ऑप्शन वाला भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो भी आपको मेंशन करना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।